कि जड़ अगर सोच ले कि मेरे ऊपर फूल नहीं है, मेरे ऊपर पत्ती नहीं है, अब तो मैं रेऊं नहीं तो अच्छा सूख जाऊं तो अच्छा, नहीं उसका बल देखिए, वापिस पत्ती लेकर आ जाती है, वापिस फूल लेकर आ जाती है, पानी को रखती है, जड़ डोलती नहीं है, विश्वास मजबूत रखती है। दुख आएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, बोलो आया कि नहीं आया? भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, जन्म कहीं हुआ, पड़े कहीं, राज कहीं का था, भागना पड़ा युद्ध का मैदान छोड़कर, दुख नहीं तो और क्या है? ऐसी कौन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? माता जानकी जी के जीवन में दुख था, माता रुक्मणी के जीवन में दुख था, राधा जी जिनका आप नाम स्मरण करते हो, क्या उनकी जिंदगी में दुख नहीं था? कितना दुख, मृत्यु लोक में आने के बाद परमात्मा को भी दुख भोगना पड़ता है, तो आप और हम कोई अलग से नहीं आए, हमको भी दुख भोगना पड़ता है। बस इतना याद रखना, राम जी की जिंदगी में दुख आया था तो उनने शंकर जी की पूजन करी थी, फिर लंका पर चढ़ाई करी थी। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया था तो उन्होंने नागेश्वर की स्थापना कर भगवान शंकर की पूजन करी, तब उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। सीता जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी। राधा जी के जीवन में आया तो उन्होंने शिव जी का पूजन करा। 33 कोटि देवताओं के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर की आराधना करी और उस दुख का निवारण हुआ। आपकी जिंदगी में भी दुख आए तो एक लोटा जल पकड़कर शिव जी के मंदिर जाना, वो दुख का निवारण करेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो जीवन में दुख का निवारण करेगा।